तो आज तो रिपब्लिक डे है, तो हमारे हर व्यूअर को हैप्पी रिपब्लिक डे और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो इसी बात पर यार ठोको एक लाइक, दिखा दो कितने पावर है अपने हाथों में, इंडियंस की पावर कितनी है, ठोको लाइक यार, एक लाइक तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल टेकी गौरव। दोस्तों आज का चैप्टर है सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के नोगर अपडेट के लिस्ट के बारे में, जो कि मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आज ये कोर्स हम यहीं कंप्लीट कर देंगे। तो आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, तो आप सब इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए ताकि ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर दें और कोर्स कंप्लीट कर दें। तो चलिए वीडियो को बिना वक्त गुजारे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है उन डिवाइसेस के बारे में जिनके लिए ऑलमोस्ट नोगट अपडेट कन्फर्म्ड है। तो उन डिवाइसेस में से जो सबसे पहला डिवाइस जिनके लिए नोगट अपडेट कन्फर्म्ड है वो है आपका A8 2015, जिसके लिए नोगट अपडेट ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, 90% कन्फर्म्ड है कि अपडेट ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद जो अगला डिवाइस है जिसके लिए नोगट कन्फर्म्ड है वो है आपका A5 2015, जिसके लिए अगर A8 2015 में आता है तो A5 2015 में भी ज़रूर आएगा। तो ये था A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके डिवाइस में फरवरी के पूरे महीने में कोई नोगट अपडेट नहीं आया तो समझ लीजिए कि कभी नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी के अंदर अपने सैमसंग का पूरा नोगट काम ख़त्म होने वाला है और सैमसंग फिल ओरियो पर काम करने वाला है, इसीलिए फरवरी तक का ही टाइम है, उसके बाद नहीं आया तो समझ लीजिए कभी नहीं आएगा। उसके बाद बचा आपका सी सीरीज, जो है आपका C5 Pro, जिसमें अभी तक कोई नोगर अपडेट नहीं आया है। कुछ दिनों पहले C7 Pro को नोगर अपडेट मिल चुका है, लेकिन C5 Pro को अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है। तो ये क्या है, सैमसंग कितना वेट करवाएगा? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, C5 Pro को ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है कि नोगर अपडेट मिल जाएगा, और कितना वेट करना है वो भी आपको बता देता हूँ कि ये अपडेट जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही अपडेट आ सकती है, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन फरवरी के अंदर इन डिवाइसेस को अपडेट मिल जाएगा। तो जो अगला डिवाइस है वो है हमारा J सीरीज़ में जो सबसे पहला स्मार्टफोन है नोगट अपडेट को लेकर, जिसके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन है कि अपडेट आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। दोस्तों मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि अपडेट के बारे में, कितनी बार मैंने लाइव चैट की है सैमसंग से, तो मुझे क्या लगता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला डिवाइस है वो है J7 2015, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इसे अपडेट मिलेगा या नहीं। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूँ मेरे थाट्स क्या है इसके नोगट अपडेट के बारे में। दोस्तों ये डिवाइस 2015 में लॉन्च हुआ था और ये एक तरह का बजट स्मार्टफोन ही हुआ, बजट स्मार्टफोन है, ठीक है, आप मिड रेंज ही समझ लीजिए, मिड रेंज स्मार्टफोन समझ लीजिए, ठीक है। J7 2015 एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, ठीक है, लेकिन उसमें एंड्रॉयड लॉलीपॉप के साथ आया था, लेकिन अब उसे एक मेजर अपडेट दे दिया जा चुका है। तो उसमें एक पहले से ही एक मेजर अपडेट दिया जा चुका है और सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन्स को सिर्फ एक ही मेजर अपडेट देता है, जो कि गलत बात है। बाकी कंपनी कम से कम दो मेजर अपडेट्स दे देती हैं, लेकिन सैमसंग तो अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए सिर्फ एक ही मेजर अपडेट देता है। तो इसके लिए मुझे लगता है इसके जो सैमसंग पॉलिसी के अनुसार जो टाइम है वो भी क्रॉस हो चुका है। 2015 में लॉन्च हुआ था, 2 साल की अपडेट पॉलिसी रहती है, 2018 हो गया है, 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपडेट आएगा नोगट के बारे में। तो ये थे मेरे थॉट्स, लेकिन सैमसंग चाहे तो इसे भी अपडेट दे सकता है, तो आप वेट करिए, हो सकता है फरवरी में आपको ये अपडेट मिल जाए। तो जो अगला डिवाइस है जिसके बारे में कन्फ्यूज़न है वो है आपका J3 Pro 2016, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था और इसकी अपडेट पॉलिसी के मुताबिक 2018 में भी इसकी पॉलिसी अभी भी चल रही है और इसे नोगट अपडेट मिल सकता है, क्योंकि मैंने सैमसंग से कई बार लाइव चैट की है
2016 में लॉन्च हुआ है, यानी कि ये मार्शमेलो पर रन करता है, लेकिन इसमें अब तक कोई भी नोगर अपडेट नहीं आया है। सैमसंग से लाइव चैट करने के बाद ये पता चल जाता है कि जो भी मार्शमेलो डिवाइस है उसमें नोगर अपडेट मिल जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे सैमसंग वाले कहते हैं, आ भी सकती है नहीं आ सकती है, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपने क्लियरली बता दूं, मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा इस डिवाइस में नोगट अपडेट, तो आप चिंता मत करिए, आपको फरवरी के अंदर एक नोगट अपडेट ज़रूर मिल सकता है अपने J3 Pro में। और हमारा इस वीडियो का जो हीरो आलोम, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है उस डिवाइस को लेकर, वो है हमारा J2 Pro, J2 2016 और J2 2015। सबसे पहले हम बात करते हैं J2 2015 के बारे में। दोस्तों J2 2015 अगर आप देखें तो नोगर अपडेट के कंपैटिबिलिटी में नहीं आता है। नोगर अपडेट के कंपैटिबिलिटी के लिए आपको लगभग 1.5 GB रैम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस फ़ोन में आपको सिर्फ 1 GB रैम मिलती है, जिसके लिए नोगट के वजह से यह इनकम्पेटिबल है। और इसमें हालांकि अब तक मार्शमेलो अपडेट भी नहीं आया है, तो नोगट तो दूर की बात है, नोगट मुझे नहीं लगता कभी भी आएगा इस डिवाइस में। अगर मार्शमेलो अपडेट आ जाए वही बहुत बड़ी बात है कि लो बजट डिवाइस में मार्शमेलो अपडेट आ जाए, क्योंकि सैमसंग अपने लो बजट डिवाइसेस में कभी भी ध्यान नहीं देता। और जो अगला डिवाइस है वो है J2 2016। इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें आपको 1.5 GB रैम मिल जाती है, लेकिन इस डिवाइस में स्पीड ट्रम का प्रोसेसर है, जो कि शायद एक मुश्किल बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग कुछ करके इसके लिए अपडेट जो है ले आएगा। सैमसंग से लाइव चैट मैंने कई बार की है, हर बार मुझे एक ही जवाब मिला है कि डेवलपमेंट टीम इज़ वर्किंग। और कितना वर्किंग, तो कुछ दिन पहले मैंने और एक बार लाइव चैट की तो मुझे ये पता चला, जो कि आपको अब स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, वो मैंने सैमसंग से लाइव चैट की थी तो उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने सेव कर लिए हैं, वो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। नज़र नहीं आ रहा तो क्लैरिटी बढ़ा लीजिए तो आपको नज़र आ जाएगी। देखा जाए तो J2 Pro और J2 2016 ऑलमोस्ट सेम ही डिवाइस है, एक ही है, बस J2 Pro में डिफरेंस ये है कि J2 Pro में आपको 2 GB रैम मिलती है, जबकि J2 2016 में 1.5 GB रैम, जिसके लिए हो सकता है J2 Pro में अपडेट आए लेकिन J2 2016 में ना आए। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी देखें नोगर अपडेट के बारे में, तो सैमसंग यहां पर इसे अपडेट कर सकता है, क्योंकि J2 2016 में 1.5 GB रैम है, जो कि कंपैटिबिलिटी के लिए ठीक ठाक है, चल जाएगा। नोगट ऑप्टिमाइज़ करेगा सैमसंग, थोड़ा उसका डेवलपर थोड़ा कुछ काम करेगा, इतने दिनों से काम ही कर रहा है, तो हो सकता है इन डिवाइसेस को भी 50-50 चांसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि इन डिवाइसेस में डेफिनेटली अपडेट आएगा, क्योंकि इनमें अब तक कोई भी मेजर अपडेट नहीं आया है, सिर्फ सिक्योरिटी पैचेस ही अपडेट आई हैं और कोई भी अपडेट्स नहीं आई हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेरे थॉट्स और कुछ सैमसंग के जवाब जो कि मुझे मिले थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको मन में है, नहीं होगा तो कैसे पूछोगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यार रिपब्लिक डे है, कुछ तो रहम करो, कुछ तो वीडियो देख लेते हो, लाइक करने नहीं जाते हो, अपना फ़ायदा भी ले लेते हो इन्फॉर्मेशन, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो जिनके पास J2 2016 या जिनके डिवाइस के मैंने नाम लिए, कोई से भी डिवाइस अगर उनके पास है तो उन्हें शेयर कर दो। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।